सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां थाना सिकरारा क्षेत्र के समाजगंज बाजार के पास बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 7 मजदूरों को रोडवेज ने टक्कर मार दिया। प्रयागराज की तरफ से आ रही रोडवेज बस ने ये टक्कर मारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है और 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर जौनपुर से आपको बता दें, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। 5 लोगों के इस हादसे में मौत हो गई है। जो थाना सिकरारा क्षेत्र के समाधगंज बाजार के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 7 मजदूरों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। बस आ रही थी और इसी बीच में हादसा हो गया और ट्रॉली पलटने से 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर है। आपको बताते चले कि 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। तो जौनपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है और इस भीषण सड़क हादसे के चलते 5 लोगों की जानें चली गई है। बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जौनपुर से संवाददाता देवेंद्र खरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस हादसे को लेकर जानकारी दीजिए, किस वक्त यह हादसा हुआ है और अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि बीती रात में सिकरारा थाना क्षेत्र के समाजगंज बाजार में देर रात रोडवेज की बस से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई, जिसमें 5 लोग की मौत होगी, 2 लोग घायल है। देर रात पुलिस अच्छे मेरे पास शर्मा सहित तमाम अधिकारी पहुंचे और सभी घायलों के मृतकों का सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि देर रात समाजगंज में प्रयागराज से गोरखपुर जा रही रोडवेज बस में ट्रैक्टर ट्रॉली को मोबाइल टक्कर है और क्योंकि देर रात मजदूर ढलैया करके वापस आ रहे थे, तभी बीता हादसा हुआ, जिसमें 5 लोग की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जी शुक्रिया देवेंद्र आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा हादसा जौनपुर में हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हो गई है। और अब खबर बागपत से है, जहां संकी आशुक ने विवाहिता को गोलियों से